देखिए, अब आप लोग ग्रेडियंट के बारे में लिखिए, प्लस में लिखिए, ये जो प्लस है लिखिए ग्रेडियंट स्टॉप, ग्रेडियंट स्टॉप्स एड, ग्रेडियंट स्टॉप एड अक्रॉस का मतलब लिख लीजिए ग्रेडियंट स्टॉप रिमूव। हो गया। नेक्स्ट लाइन में लिखिए यू हैव टू सेलेक्ट ए ग्रेडियंट स्टॉप, यू हैव टू सेलेक्ट ए ग्रेडियंट स्टॉप। एंड फिल ए कलर, एंड फिल ए कलर फ्रॉम ए फिल बकेट, एंड फिल ए कलर फ्रॉम ए फिल बकेट इफ यू इंसर्ट थ्री और मोर ग्रेडियंट यू कैन फील ईच कलर फॉर ईच ग्रेडियंट स्टॉप्स, यू कैन फील ईच कलर फॉर ईच ग्रेडियंट स्टॉप। ठीक है, आपको आया समझ में? चलिए अब आप क्या कीजिए, सेव के ऊपर नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए टेक्सचर। टेक्सचर छूटा हुआ है ना आप लोग का? टेक्सचर लिखिए, इन टेक्सचर यू कैन इंसर्ट, इन टेक्स्चर यू कैन इंसर्ट ए पैटर्न डिजाइन, इन टेक्स्चर यू कैन इंसर्ट ए पैटर्न डिजाइन। पैटर्न आप लोग को दिख रहा है, टेक्स्चर आप लोग का हो गया, ग्रेडियंट हो गया, पिक्चर हुआ आप लोग का। लिखिए नेक्स्ट लाइन में पिक्चर लिखिए, पिक्चर्स लिखिए, लिखिए इन पिक्चर्स यू कैन सेलेक्ट एनी पिक्चर्स इन वर्क ऑफलाइन, इन वर्क ऑफलाइन। आफ्टर इंसर्टिंग ए पिक्चर आफ्टर इंसर्टिंग ए पिक्चर्स पिक्चर डिटेक्ट द शेप एरिया, पिक्चर डिटेक्ट्स द शेप एरिया। कहने का मतलब है कि जो भी पिक्चर आप सेलेक्ट कीजिएगा उस पिक्चर के अनुसार वो शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी शेप आप सेलेक्ट कीजिएगा ना उसमें वो पिक्चर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किए थे आप लोग, याद है? दोबारा बताने की जरूरत नहीं ना है। चले आगे,
देखिए ये पिक्चर हम सेलेक्ट कर रहे हैं और इंसर्ट पे क्लिक किए, जैसा पिक्चर है उस पूरे शेप के अनुसार चेंज हो गया। आया समझ में? देखिए एक चीज में ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देने वाला ये बात है कि अगर आपका पिक्चर, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, अगर आपका पिक्चर शेप से छोटा है तो पूरा ऑब्जेक्ट एरिया सेलेक्ट करेगा, अगर आपका शेप बड़ा है पिक्चर छोटा है तो वो उस एरिया में रह जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? देखिए कैसे, ये स्टूडेंट का फोटो है ना, गर्ल्स का, पर ये गर्ल्स का जो फोटो है वो छोटा है और शेप उससे बड़ा है, बड़ा है, इसलिए वो पूरा शेप को फिल नहीं कर पाया। अगर ये पिक्चर शेप से बड़ा होता तो जितना बड़ा शेप है वो पूरे शेप में फिल हो जाता, ठीक है। इसी कारण से आपका, यहाँ देखिए बोर्ड पे, इसी कारण से आपका जब आप पिक्चर पे क्लिक कर रहे हैं, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से जो भी पिक्चर, मान लीजिए ये पिक्चर सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इंसर्ट पे क्लिक कर रहे हैं, पूरा फुल एरिया सेलेक्ट कर लिया। रीजन ये है क्योंकि शेप से बड़ा वो पिक्चर्स है। आपको देखना पड़ेगा कि आपका पिक्चर्स का साइज क्या है और शेप का साइज क्या है, ताकि आपका वो शेप बड़ा है कि पिक्चर, अगर पिक्चर बड़ा है तो शेप पूरा फिल हो जाएगा, अगर पिक्चर छोटा है तो शेप में रह जाएगा। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत तो दोबारा मैं बताऊं, आप लोग क्लियर है? खुशी जी दोबारा पूछेंगे, टेस्ट लेंगे तो बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए।